वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। जैसे मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, स्पेशली हम जब बिजली की बात करेंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम लेकर चलेंगे और इसके लिए हमें मिनिस्टर ने ज्वाइन किया उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। जनाब हमारे पास मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक जो कि मलिक नसीब बख्श के साहबजादे हैं और उसके साथ साथ जनाब बाई प्रोफेशन तो ये डॉक्टर हैं लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिक्स को भी परसू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुल्तान के भी मेम्बर हैं और PTI की तरफ से MPA भी हैं और मिनिस्टर हैं एनर्जी डिपार्टमेंट के। इनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और इसके साथ साथ जनाब हमारे रिपोर्टर हैं जो तमाम बीट को देखते हैं राना फहद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो राना फहद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊंगी, पॉलिटिक्स और डॉक्टर होना बड़ी डिफरेंट चीजें हैं और डॉक्टर बने उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, दौरान आपने एजुकेशन के सोचा कि मैंने पॉलिटिक्स में भी आना है। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपने मौका दिया। तो पहले तो डॉक्टर ही बने थे, सिस्टम हमारा डेरादारी तो पहले थी। मेरे बुजुर्गों के ना पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी वो एक्टिव रहते थे। सही, सही। तो मैंने हॉस्पिटल बनाया वहाँ मुल्तान में। जब मेरे वाले साहब की अर्ली डेथ हो गई थी तो जब हॉस्पिटल बनाया तो लोगों ने फिर आना शुरू कर दिया, फिर वो सिस्टम में फिर मैं भी इन हो गया। तो बल्दियाती पॉलिटिक्स से शुरू किया था काम। तो फिर 2008 वाली असम्बली में MPA बने थे, फिर अब 13 में फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और आवाम की कोशिशों से फिर दोबारा MPA बना हुआ और पोर्टफोलियो है इसका एनर्जी का मेरे पास। जबरदस्त। अच्छा एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी क्राइसिस तो डेफिनेटली है और ये अभी के नहीं बहुत पहले से है, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की हो या तहरीक इंसाफ की हो, एनर्जी क्राइसिस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रही है लेकिन एट द एंड क्राइसिस ये है। इसके हवाले से आपकी गवर्नमेंट या आप मिनिस्टर हैं चूँकि आप लोग क्या इकदाम क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं? देखें जी, जो आज मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में है तो उसमें मेन वजह आपकी एनर्जी शॉर्टेज है। क्योंकि आपकी एनर्जी क्राइसिस हुई, आपकी सारी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो गई, बांग्लादेश चले गए, मलेशिया चले गए, लोग दुबई चले गए, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई। अब एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं तो आपकी इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है तो वो जो फिजिकल डेफिसिट है वो कवर नहीं हो रहा। मतलब 24 अरब की आपकी एक्सपोर्ट्स हैं और 60 अरब के करीब आपकी 60 बिलियन डॉलर के करीब आपकी इम्पोर्ट्स हैं। तो इस गैप को किस तरह आप फिल कर सकते हैं? जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी नहीं हो सकता। तो उनके लिए जो प्रॉपर जो इन्होंने पिछली हुकूमतों ने काम नहीं किया, कोई ब्लेम गेम नहीं है आवाम के सामने है कि जिस तरह 15-20 सालों से लोग अजियत में मुब्तला हैं और कोई इन लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट ज़्यादा थे मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से इन्होंने जो इम्पोर्टेड फ्यूल था उस पर इन्हसार ज़्यादा किया क्योंकि उसमें कमीशन माफिया इन्वॉल्व होता है। हालाँकि दुनिया सारी रिन्यूएबल एनर्जी पर चली गई है, क्लीन एनर्जी पर चली गई है। आपके सोलर का आपके पास इतना पोटेंशियल है पूरे मुल्क में, लेकिन हम अभी तक उन पुराने मेथड पे डिपेंडेंट हैं। वो इसलिए ना इन्होंने वो किया, इसलिए नहीं है कि उनके उनमें से कुछ निकलता नहीं था, उनके लिए कुछ नहीं बचता था। अब यहाँ पे दुनिया में कोल पावर प्लांट बंद हो रहे हैं तो पिछली हुकूमत ने यहाँ कोल पावर प्लांट लगा दिया, चाइना में बंद हो गए, अमेरिका में बंद हो गए, इवन सारे जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क है उनमें बंद करके रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। तो इन्होंने वो काम किए हैं जिसमें किक बैक्स इन्वॉल्व थी और इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। ऐसे RLNG पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े करने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास जो पहले प्रोजेक्ट खड़े हैं, हमारे मुल्तान में एक खड़ा है, पूरे मुल्क में ऐसे वो यूनिट खड़े हैं जो जिनको हम रिहेबिलिटेट करके उसको चला सकते थे। क्योंकि वो चलाते तो उसमें इनके इतने बड़े किकबैक्स नहीं आने थे, नए प्रोजेक्ट्स में, मेगा प्रोजेक्ट्स में मेगा वो कमीशन इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए सारा कुछ किया और आवाम को अजियत में मुब्तला किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हमारी हुकूमत आई है, हमारा पहले दिन से फोकस है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं जिसमें इम्पोर्टेड फ्यूल कम से कम इन्वॉल्व हो, अपने जो सोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करें। अगर इन्होंने ये कोल पावर प्लांट लगाना ही था तो ये थर में इतना सारा कोल के जखायर हैं, कोई 100 साल इस्तेमाल करते रहें तो ख़त्म नहीं हो सकते। तो इन्होंने उनको भी इग्नोर कर दिया। हमने इंशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब की है इसमें हमारे शॉर्ट टर्म
مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے ہیں. اچھا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کی جانب سے بھی کئی منصوبے لگائے گئے جو ابھی ادھورے بھی ہیں یا جن پہ کام ہونے کی ضرورت بھی ہے, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جناب جو پچھلی گورنمنٹ کے منصوبے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے, اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کام کیا جا رہا ہے, یہ بھی کیا بات؟ دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ایک ہمارا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارا قائد اعظم سولر پارک ہے وہاں پہ بہاولپور میں, 100 میگا واٹ کا یونٹ پنجاب گورنمنٹ اون کرتی ہے, 300 میگا واٹ سی پیک کا پروجیکٹ ہے جو چائنیز کمپنی جو ان کے ہی بندے تھے ان کو آگے کر کے تو ان کو دیا گیا تھا. اچھا اس میں اب 9 چائنیز ہیں ہمارے پاس وہاں پہ, اور اس کی حفاظت کے لیے ہمارے 900 امپلائی وہاں پہ امپلائی کیے ہوئے ہیں لوگ. اب یہ کس طرح فیزیبل ہے کہ ہم جس چیز سے اتنی پروڈکشن نہ آ رہی ہو, جس سے انکم نہ ہو, اور اس پہ ہم اتنا خرچہ کر کیے جا رہے ہیں, تو ایسے پروجیکٹ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے جو قوم پہ برڈن ہے. اسی طرح آپ کا جو ہمارا حویلی بہادر شاہ والا ایک یونٹ چل رہا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, تو اس میں انہوں نے کیا کہ جی اپنا جو پنجاب گورنمنٹ کی اکویٹی تھی وہ انہوں نے کوئی 14 ارب کے قریب ریلیز کی, اپنے کمیشن لیے اور سائڈ پہ ہو گئے. اب ہم 14 ارب کو چھوڑتے ہیں تب قوم کا پیسہ ضائع ہوتا ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں وہ جو چارم ہے وہ نظر نہیں آتا, پھنسے پڑے ہیں کہ اس کو کیا کس طرح نکالیں. اب بینکوں کو انوالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم چلا کے پھر اس کا آگے دیکھیں گے اس کا فیٹ کیا ہوتا ہے. جو ہمارے پہلے والے پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے لیے دیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں, جو ایک ہمارے ہائیڈرو کے پروجیکٹس چل رہے تھے, ریڈ سپ کے پروجیکٹس ہیں 4, تو وہ ایک ہی کمپنی کو دیے ہوئے ہیں اور وہی کمپنی کوئی 8-10 سالوں سے لگی ہوئی ہے, بنا رہی ہے, کبھی بناتے ہیں کبھی اس میں اسپل وے, آپ کو نیوز میں بھی کڑا اٹھایا گیا تھا, یہ ڈیگ فال آؤٹ کا ایک اسپل وے پانی میں بہ گیا تھا. اور اس طرح کے انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں, اور اس میں مطلب جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہاں سے کرپشن کے وہ کرپشن, جیسے آپ نے کہا کہ کرپشن کے جو بھی اندر سے کھلتا ہے تو کرپشن کا معاملہ نکلتا ہے, لیکن شاید اب پبلک کی ایکسپیکٹیشن, ہم احتساب کے چکر میں, کرپشن کو پکڑنے کے چکر میں, بہت ساری ایسی چیزیں جو فیوچر پلاننگ یا فردر اسٹریٹجیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چیزیں قوم کو بتانی ضرور چاہیے کہ پچھلے لوگوں نے یہ کیا ہے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمے جو لگتا ہے ہم ذمہ داری لیں گے, جو پچھلے لوگوں نے کیا ہے ان کی ذمہ داری تو ان پہ آتی ہے. اب جس چیز کو میں کہہ رہا تھا کہ ہاتھ لگاتے ہیں کرپشن ہی کرپشن کے علاوہ کچھ ملتا نہیں ہے, اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں جس طرح کسی ملک سے بدلہ لیا جاتا ہے نا, انہوں نے کوئی اس طرح کا پتہ نہیں بدلہ لیا ہے کہ ملک کو ایسے پھنسا کے. اب اورنج ٹرین کا آپ دیکھ لیں, اس کو 500 ڈالر 5 لاکھ ڈالر پر ڈے اس پہ جرمانہ پڑ رہا ہے, اب اس کو پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہیں 10-12 ارب سالانہ اس کے نقصان ہے, اگر نہیں کرتے تو 5 لاکھ ڈالر اس پہ وہ اپنا جرمانہ پڑ رہا ہے. تو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں جو مطلب ہے قوم کے لیے عذاب بنا کے یہ چھوڑ گئے ہیں, ہم ان سے انشاءاللہ نکلنے کی, اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہماری حکومت نے یہ سنبھالا تھا اپنا اقتدار, 27 دن کے ہمارے پاس ریزرو تھے, 27 دن کے. تو عمران خان صاحب نے 120 دنوں میں آدھی دنیا کو انگیج کیا, چائنا کو, ترکی کو, ایران کو, سعودیہ, UAE, آپ ملیشیا, مطلب جن لوگوں کو ہم انوالو کر سکتے تھے کہ ملک کی بہتری کے لیے ہم نے انگیج کیا. اچھا سر, ہم اس میں بات, سوری آپ کو میں اس لیے انٹرپٹ کر رہی ہوں, ابھی آپ نے کرپشن کی بات کی اور ہم انرجی کے چونکہ اس پہ بھی آئیں گے, تو انرجی پچھلے ہم نے سردیوں میں دیکھا تھا لوڈ شیڈنگ ایٹ لیسٹ نہیں تھی, بجلی کی, گیس تو ڈیفینیٹلی نہیں آتی تھی, لیکن اس بار کرپشن نہیں ہے لیکن لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ. دیکھیں میں وہی کہتا ہوں, اس دفعہ ذرا دھند کا جو ایشو تھا نا, دھند میں جب ایک سسٹم آتا ہے کہ جب دھند آتی ہے تو اس میں پانی آتا ہے, جب وہ اس پہ تاروں پہ پانی گرتا ہے تو اس کی وہ پازیٹیو نیگیٹو جب ملتے ہیں تو پیچھے گریڈ کی ٹرپنگ ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ڈیو ٹو ٹرپنگ اس کو ہمیں شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا تھا. لیکن اب یہ مسلسل بیسس پہ ہے. اور اس میں دو چیزیں تھیں, ایک یہ تھا کہ وہ ٹرپنگ کا ایشو تھا, دوسرا جو ہے آج کل پانی کی جیسے کمی کی وجہ سے جو ہمارے
ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम से बिजली बनती है, वो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई, और जो जो आरएलएनजी वाले इश्यूज थे वो भी अभी पीछे से, जैसे गैस शैस वाले इश्यूज थे वो भी है। तो इन चीज़ों की वजह से ही हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे थे, ताकि ये कंटिन्यूस और सस्ती बिजली हम कौम को भी दे सकें और इंडस्ट्री के लिए भी दे सकें। मैं लोड शेडिंग के हवाले से, क्योंकि हमने पिछली सर्दियों में डेफिनेटली हम इस बात को कहेंगे कि बिजली की एटलीस्ट लोड शेडिंग नहीं थी, हमें गैस की जरूर मिलती, लेकिन इस बार कहाँ के इलाके हैं जो स्पेसिफिक एरिया ज्यादा पे ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है? एक्चुअली इस दफा सूरत हाल ये हुई है कि आरएलएनजी पे चलने वाले तमाम पावर प्रोजेक्ट बंद है, भिखी बंद है, बल्लो की बंद है, हवेली बादशाह, वो मिनिस्टर साहब ने बताया जो सूरत हाल है, ये तीनों बंद है। बिक्की की तीन टर्बाइनें बंद हैं, बल्लू की भी तीन टर्बाइनें बंद हैं, और इनसे 1180 मेगावाट की कैपेसिटी है इन दोनों पावर प्लांट्स की, मगर वो अलग बात है कि इतनी पैदा नहीं होती वहां से। माजी में पंजाब में कोई खास पावर प्लांट बनाया ही नहीं, कोई बिजली का मंसूबा यहाँ पर बन ही नहीं सका। जितने भी मंसूबे बने, वो मिनिस्टर साहब वाली बात को मैं सेकंड करूंगा कि वो महंगी बिजली के मंसूबे बने, सस्ती बिजली का यहाँ पर कोई मंसूबा नहीं बना। कायदे आजम सोलर पावर प्लांट बनाया, उसमें अब उसकी 100 मेगावाट की कैपेसिटी थी, मगर उसकी एवरेज 18 मेगावाट बिजली आ रही है जी, बल्कि अब 17 हो गई है, बल्कि और कम होती जाएगी, कम होती जा रही। अब तो आ ही नहीं रही ना, अब तो क्योंकि धूप ही नहीं है तो वो आ ही नहीं रही। उसकी वजह क्या, उसमें बड़े पैमाने पर ये काम किया गया कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया में खत्म होती जा रही थी वो टेक्नोलॉजी उधर लगा दी, ठीक है। जो सोलर सिस्टम दुनिया ने उतार दिया, खत्म हो गया, वो हमने लगा लिया। सर, एक छोटी सी मैं इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी। जब ये सोलर पार्क लगा था तो अबूजेबी में उसी वक्त ये 3.5 सेंट पे लगाया गया था, और हमारे मुल्क में ये 18 से 20 सेंट पे लगाया गया था। ये इनके कारनामे हैं। देखिए, एनर्जी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, हम एनर्जी डिपार्टमेंट का सालाना बजट 20 से 30 अरब रुपया था, ठीक है, और इस बजट के होने के बाद देखे फिर भी हम एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं, और ये बहुत एक मेजर बजट है। एक मंसूबा जो कहा गया था कि जो कश्मीर से दरिया आते हैं उन पे हाइडल बिजली के लिए पैदा करने के लिए छोटी टर्बाइनें लगाई जाएंगी, और उनसे 6000 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, ठीक है। मगर देखे वो हम 10000 मेगावाट भी बिजली नहीं पैदा कर सके। अगर हम उसके बाद एक गोबर से गैस बनाने का मंसूबा था, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का वो मंसूबा भी नहीं चल सका, वो भी बनाने मतलब मंसूबे तो प्लानिंग की गई लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो प्लानिंग भी नहीं की गई, सोचा गया सिर्फ कमीशन के लिए की गई है। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल दूंगा, इन्होंने पिछली जो हमारी इन्होंने कैबिनेट कमेटी थी फेडरल की, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि ये जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इनको एनओसी ना जारी किए जाए। अब एक हमारे पास पोटेंशियल है राजनपुर में कोई 1000 मेगावाट का, वो है विंड पे। अब एक कंपनी थी, उन्होंने बिडिंग पे वो लिया अपना प्रोजेक्ट, और जब वो उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी हम इसको अलाउ नहीं कर रहे, और वो कंपनी ऐसी थी, उन्होंने कहा जी हम आके यहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल भी बना देते हैं, एक अच्छा स्कूल भी बना देते हैं, और 5.3 सेंट पे वो बिजली बना के देने के लिए तैयार थे। इन्होंने उसको रिजेक्ट किया और इसको आरएलएनजी वाले प्रोजेक्ट को किया कि ताकि ये हमारी आरएलएनजी ना मतलब गैस की तो सिचुएशन आपके पास सामने है, गैस तो आ ही नहीं रही लोगों के घरों में, बिजली भी नहीं है, वो इम्पोर्टेड गैस थी ना, आरएलएनजी पे उसमें कमीशन हुआ था जो खाकान अब्बासी साहब के जो सारे वो थे मुआहदे। अच्छा, मैं इनके आपका एक और प्रोजेक्ट भी जिसपे अभी वर्किंग है और स्ट्रेटेजीज भी बनाई जा रही है, वो फार्मर्स के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, उस हवाले से भी थोड़ा बताइए जी। मैं उसपे हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हमारी कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी पहले थी नहीं, हमारी इवन एनर्जी पॉलिसी कोई नहीं थी। हमारी ये फेडरल गवर्नमेंट की एनर्जी पॉलिसी अब बन रही है, बजट विड्रॉ करते रहे माजी में, बजट सालाना बजट विड्रॉ करते रहे, पॉलिसी कोई पॉलिसी किसी डिपार्टमेंट की थी नहीं, हालांकि हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। मैं आपको बताऊं कि जब भी इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना है, इस एग्रीकल्चर ने निकालना है, और एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें फार्मर्स को हम अच्छे सीड, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी अगर करें चाइना और इंडिया के साथ,
तो वहाँ पे काटन उनकी 80 मन फी एकड़ होती है, हमारी यहाँ 10 से 20 मन होती है। अच्छा। हाँ, उनके अच्छे सीड हैं, अच्छे वो स्प्रे हैं, अच्छे उनके वो फर्टिलाइजर्स हैं, और यहाँ पे कोई चेक ही नहीं है। जिस तरह जो मर्जी खुलेआम बीज बेचता फिर रहा है, कोई स्प्रे बेचता फिर रहा है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। और जिस चीज़ पे हमारा मुल्क इन्हिसार करता है उस पर कोई चेक ही नहीं है। हमने इंशाल्लाह जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं वो बिल्कुल इनइफेक्टिव थे, कि सिर्फ तनख्वाहें लेने के अलावा कोई काम नहीं किया। इतने इतने एरियाज उन्होंने संभाले हुए हैं, कोई नया सीड उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कोई नई रिसर्च नहीं की। हम एनर्जी पॉलिसी लेके आ रहे हैं और इन पे हम अच्छा फार्मर को सीड देने जा रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े। अगर 2 एकड़ वाले की प्रोडक्शन 1 मुरब्बे के बराबर हो तो तब जाके वो हमारी कंपैरिजन होता है। उनको एजुकेट करना भी बहुत जी, वो इंशाल्लाह हम एक जोनिंग कर रहे हैं कि जिस तरह हमारी कौम जिसका एक साल एक फसल का रेट बढ़ जाता है तो सारी कौम उसको लग जाती है, हम उसको जोनिंग कर रहे हैं मुल्क की जरूरियात के मुताबिक और एक्सपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कि हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो मेन हम करने जा रहे हैं, जो हमारे जो ट्यूबवेल हैं, जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल हैं, उनको हम सोलर पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। अच्छा। ताकि वो पूरा महीना अपना पानी इस्तेमाल करें और दिन के टाइम कोई बैकअप सिस्टम की जरूरत भी नहीं होगी, ये सोलर पे ये चल सकते हैं। तो सब्सिडाइज रेट पे उनको हम सोलर पैनल्स और इस तरह का फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। सही। और इससे जब ये आ जाएंगी चीज़ें कोई, क्योंकि वाटर डिप्रिवेशन का हमारा उसमें कंट्री आता है, तो उसमें पानी की ज़रूरियात को भी मद्देनजर रखते हुए, एग्रीकल्चर के जो मामलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम इसको इंशाल्लाह सपोर्ट करने जा रहे हैं। और जल्दी जो हमारी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ जिसको अब इंडस्ट्री नहीं कहते लोग, इस पे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस पे सारी एक्सपोर्ट्स इस पे डिपेंड करती हैं। हमने अभी टेक्सटाइल वालों को वो इक्वल रेट करके दिए हैं सिंध के साथ पंजाब के। पहले गैस के रेट वहाँ पे 1400 पंजाब में थे और 600 वहाँ पे सिंध में थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी कोई 100 टेक्सटाइल मिलें जो थी पंजाब में वो बंद हो गई थी, हजारों लोगों का रोजगार उसमें वाबस्ता था। तो अब हमने उनको दोबारा रिवाइव करने के जा रहे हैं, रेट्स भी हमने उनको मुनासिब दे दिए हैं, बिजली के रेट्स भी उनके लिए कम कर रहे हैं। जब ये इंडस्ट्री चलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लोगों के रोजगार आएंगे, आपकी एग्रीकल्चर को सपोर्ट होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे जो प्रोजेक्ट्स ये नई हुकूमत लाना चाह रही है एनर्जी के हवाले से, चाहे किसानों के हवाले से, और जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर किस हद तक काबू पाया जाएगा और आने वाले वक्त में किस तरह से बेहतर होगा, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।